बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। तो वेलकम टू लाइफ विद डॉटर्स। तो जी, आपको हमारे नए व्लॉग में खुशामदीद। आज जो है वो बच्चे स्कूल नहीं गया, बच्चों को स्कूल की छुट्टी है क्योंकि आज के कल पेपर ख़त्म हुए हैं। तो जी, आज हम क्या बना रहे हैं मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर। तो बाहर लेके चलती हूँ और आपको बताती हूँ आज हम क्या बना रहे हैं। तो जी, आज हमारे घर में ना पक रहे हैं, ये आपको प्रेशर नज़र आ रहा है, इसमें पक रहे हैं पाए यानी कि खरोड़े। ये अब्बू जो है ना तवा पीते हैं पत्ती का, ये वो पक रहा है। और ये मैंने ना यहाँ पे आलू काट के रखे हैं क्योंकि मैं पाए नहीं खाती, तो मैंने अपने लिए आलू बनाने हैं। तो अब्बू बाहर से आए हैं, वो लेटे हुए अंदर, और बच्चे आपको दिखाती हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। ये देखिए, बच्चे जो हैं वो कार्टून देख रहे हैं, ये कार्टून देख रहे हैं, नहा के फ्रेश वगैरह हो के लेट गई हैं और कार्टून देख रही हैं। और टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो मैं पहले बना लूँ हंडिया अपने लिए, क्योंकि गैस काफ़ी देर की आई हुई है, बंद हो जानी है और हमारा काम रहेगा। जी, मैंने आज मंगवाया है ये स्टैंड, ब्लूटूथ इंटीग्रेटेड सेल्फी स्टिक है। ये तो सेल्फी स्टिक है, ये स्टैंड है, सेल्फी भी इससे बन जाती है यानी कि ये देखें जी, ये देखें जी, ये है, इसके साथ हम सेल्फी भी बना सकते हैं। और ये भी यूज़ नहीं मुझे करना आता क्योंकि अभी मैंने मंगवाया है, भी चेक करूँगी कि ये क्या है, कैसे यूज़ होता है। ये बड़ा भी हो जाता है, देखते हैं ज़रा पंगा लेके इसके साथ। देखें, आज का मेरा ब्लॉग इस तरह से बनेगा। मैंने मंगवाया है और अब मैं काम कर सकती हूँ, दोनों हैं मेरे साथ, साथ में अपना काका भी जा सकते हैं, मेरा काका भी चाहिए मेरे साथ आएगा। ये इसके कपड़े गंदे हैं, कितने इसने भी बिस्किट खाया है, उसने भी अभी बिस्किट खाया है, इतने इसके कपड़े गंदे हैं। और मैं यहाँ पे आलू बना रही हूँ, तो मैंने रखे हुए हैं बनाने के लिए, तो इसका भी थोड़ा थोड़ा जा रहा है। फिलहाल इसका ना एक फ़ायदा ये है कि मैं अभी फिलहाल ये ना पूरा फेस दिखा सकती हूँ आपको, है ना दिया, है ना। ये क्या है, ये ना स्टिक है इसकी, ये मुझे कैमरा पकड़ने में आसानी होगी। हाँ जी, ये खड़ा भी हो सकता है। उदा आपको इसके फीचर बताएगी, उदा ये क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कुछ कर सकता है। खैर, ये देखें, अच्छा अच्छा करती है, रुको तो सही। ओ बाबा रुको, रुको जरा, सबर करो। उदा भी मेरी वीडियो बना सकती है ऐसे पकड़ के, है ना उदा। ये ले जी, मैं ना हाँ देगी बात मान लूँ, मैं इसको खड़ा करके दिखा दूँ। ये लो, बैठ जाओ अब नीचे आप। अब हादिया आ रही नजर, हादिया वीडियो रिकॉर्ड करने लगी है। हादिया, हादिया आप ठीक हो? हाँ जी ठीक हो, तो नीचे क्यों बैठ गयो? हादिया से, हादिया आपको जूता तो है ही नहीं ना? हाँ नहीं, आप रहने दो, आपने क्यों पहनना है, आपका तो जूता ही नहीं है बेचारी का। ओए होए, हाँ जी आपका है। तो जी, आपको मैंने दिखा दिया, मैंने मंगवाया है स्टैंड है ये, और इससे मुझे अब काफ़ी फ़ायदा होगा वीडियो बनाने में, और मैं काम भी आराम से कर सकूँगी और वीडियो भी आराम से बना सकूँगी। जी, मैंने तो खास सामान अपना जो है ना वो देखे बना दिया, आलू मेरे पक गए हैं, और अभी अम्मी बना रही हैं आज ये पाए, तो अभी ये नहीं पके, पहले यहाँ से साथ साथ जाना कचरा भी उठाऊँ क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे रोटियाँ बनानी हैं। ज़्यादा ख़त्म हो गया, वहाँ ख़त्म हो गया, ख़त्म हो जी, तो सारा चुप ले जाओ जी। और इधर से ना मैं पहले धो के ना फिर इसको यूज़ करती हूँ कि मुझे ना नीचे रोटियां बनानी होती हैं, मुझे बस ना समझने के अच्छा नहीं लगता, एक वहम सा है कि जगह गंदी है, इसलिए इसको पहले धोगे। लो जी, लो जी, लो तुसी
ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਸਕੋ ਨਾ ਆਜ ਇਸਕੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਹਿਬਾ ਕੀ ਹਿਬਾ ਨੇ ਆਜ ਨਾ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕੀਆ ਏ। ਲੈ ਛੋ ਜਾ ਕਾਕੇ, ਛੋ ਜਾ ਛੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਈਪਰ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਈਪਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਈਪਰ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਸੇ ਐਸੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲਤੀ ਹੂੰ, ਮੈਨੇ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸੀ ਕਾਮ ਕੇ ਲੀਏ। इसके साथ यहाँ से साफ करके अब मैंने यहाँ पे रोटियाँ बनानी है। फिर लाइट बंद हो के भी आई है तो बच्चों का टीवी बंद हो गया। और ये देखें ये वाइपर उठा दिया काकी, ये वाइपर उठाओ, ये आप वाइपर लेकर आई हो बाहर से? कौन लेकर आया? मुझे आप लेकर आई हो? चलो मैम लाओ, मैं आपकी बोनी करूँ, मैं इनको चला के देने लगी हूँ। टीवी रिमोट कहाँ है? हाँ रिमोट ये ऊपर पड़ा हुआ, मैंने ये ऊपर रखा हुआ। मैं ना इनको अब टीवी चला के देने लगी हूँ। एक सेल खत्म हो गया इसके, इसको मारना पड़ता है फिर ये चलता है, फिर ये टीवी चलाता है। देखें मारा है ना इसको, टीवी चल गया फौरन। ठीक है अब आप पहले पोनी लाओ, मैं आपकी पोनी बनाऊँ। कंगा कहाँ है? मैं आपकी कंगी से पोनी करूँ, लेकर आओ। मुझे बाथरूम में बड़ा हुआ था, आओ खुदा मैं आपकी पोनी करूँ। खुदा पोनी है कहाँ है? वो रैप ग्रीन वाली हिबा जो है वो पाइप खेल रही है और अम्मी जो है ना वो पाइप बना रही है। मैं रोटियां बना के ना गई हूँ, देखे वाइप इन्होंने इधर फेंक दी है। बच्चों का क्या करें, समझ में नहीं आता इनको, जो है ना समझा के थक गई हूँ। पोनी नहीं मिल गई है? हेलो जी पोनी मिल गई है, मैं इधर के बारे में पोनी करने लगी हूँ। हाँ जी आप ही फेंकती हो। मैंने ना हेड स्टैंड मंगवाया, ये मल्टी फंक्शनल है, मुझे तो ये सही लगा, अभी यूज़ करूँगी तो बाकी पता चलेगा। देखिए ये स्टैंड भी बन जाता है और ये इसका स्टैंड जो है ये बड़ा भी हो जाता है, जितना मर्जी इसको जो है ना इसकी लेंथ जो है बढ़ा लो। ये देखिए यहाँ से ये देखिए जितना मर्जी हम इसे बड़ा कर सकते हैं, और ये भी मैंने थोड़ा ही बड़ा किया। और साथ में इसके जो है वो एक है ये ब्लूटूथ, इसके साथ मैं ये बटन दिया हुआ है, मैं इसको प्रेस करूँगी तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी या सेल्फी बन जाएगी, जो भी मैंने काम करना है यानी कि जो मैंने फंक्शन शुरू किया होगा वो भी बन जाएगा इसके साथ। और ये बाद में यहाँ भी इस तरह से ऐसे लग जाता है तो इसके साथ सेल्फी भी बन जाती है, और फिर जी इसके साथ जो है वो स्टैंड भी बन जाता है। ठीक है ये जिसको मैं जितना मर्ज़ी लंबा कर लूँ, मैं बाहर से जैसे मर्ज़ी इससे ना वीडियो बना सकती हूँ। फ़िलहाल मैंने यही मंगवाया, रीज़नेबल प्राइस में मिला ये मुझे 800 रुपये का, तो मुझे तो पसंद आया। ये भी इसका जो है ना ये रोटेट भी हो जाता है, ये देखें इस तरह से रोटेट हो जाता है ये, और फिर यहाँ से ये इसके बाद ये टाइट कर सकते हैं हम इसको इधर से, क्योंकि जब हम चीज़ को यूज़ करते हैं तो फिर ही हमें पता चलता है कि चीज़ कैसी है कैसी नहीं है। तो फ़िलहाल ये मुझे तो अच्छा लगा है, अभी बाकी देखें क्या इसके फंक्शन है क्या नहीं वो बाद में पता चलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बंदा यूज़ करता जाता है हमें इसके बारे में ना नॉलेज होता जाता है। यहाँ से ना इसको बड़ा कर लेते हैं, इसके अंदर वो लगा हुआ है, एक हाथ से ना मुझसे ये बड़ा नहीं हो रहा,
इसके अंदर ना एक इलास्टिक की तरह है, ये बड़ा हो जाता है फिर इसके अंदर मोबाइल फिक्स हो जाता है। ऐसे तो ये मोबाइल में ना, मोबाइल मेरा बड़ा है, इसमें ये फिक्स नहीं होता, इसको खोलना पड़ता है फिर ये इसके अंदर फिक्स होता है। ऐसे ये देख रहे हैं आप लोग, ये नज़र आता है। तो फिर ये मोबाइल इसमें अंदर ना इसकी ग्रिप मजबूत हो जाती है, फिर मोबाइल गिरता नहीं है। तो ये चीज़ मैंने जो है वो आज मंगवाई है। आप सबको ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मुझे तो ये सही लगी है। ये छोटा सा भी हो जाता है और इसको हम कैरी करके बैग में डाल के कहीं भी लेके जा सकते हैं। इतना छोटा हो गया, देखिए और छोटा हो जाएगा, ये जहाँ मर्जी इसको आप ले जाएं, कैरी करें, बैग में डालें, हैंड बैग में डालें और जहाँ मर्जी ले जाएं। और जब यूज़ करना हो फिर इसको खोल के यूज़ करें। आई थिंक ये अच्छी चीज़ है। ये पाए अम्मी ने बना लिए हैं, देखें ये बकरे के पाए हैं। तो दिल कर रहा है मेरा, खुशबू से, खुशबू इसकी अच्छी आ रही है ना, इसलिए थोड़ा दिल कर रहा है कि ये मैं चेक करूं। तो मैं चेक करूंगी थोड़ा सा, अगर अच्छा लगा तो फिर और खा लूंगी, वरना इतना सही चेक करूंगी। जी मैंने अभी बच्चों को खाना खिलाया, खा लिया ने खाना खा लिया क्या खा, और हिदा जो है वो काटूँ देख रही है। अभी मैं बर्तन लेके जा रही हूँ, मैं अभी जो है ना वो बर्तन धोने लगी हूँ। देखिए बर्तन जो है वो सारे धोने वाले हैं, क्या कचरा फैला हुआ इसमें, कोई सालन निकाला कोई नहीं। तो ये अब मैंने सालन निकालना है। और कमरे में अम्मी अबू जो है वो सो रहे हैं, और फिलहाल हमारी यही रूटीन है, अम्मी अबू ने अब सो जाना है और मैंने बर्तन धोने हैं। बर्तन धोने के बाद मैंने भी आटा गूंदना है क्योंकि आज जुमेरात है। तो सालन जो है ना वो देखिए निकाल के रखा हुआ है, ये वो आना है, वो आंटी ने उनको जो है वो रोटी बना के देनी है। अभी आटा मैंने गूंदना है और पहले बर्तन धोऊंगी फिर उसके बाद आटा गूंदूंगी। अगर हिबा ने मुझे आटा गूंदने दिया तो, क्योंकि वो ताह ना करे तो फिर मैं आराम से गूंद लूँगी। अभी फ़िलहाल तो वो खेल रही है वो देखे। तो अभी मैं लगी बर्तन धोने, बर्तन धोने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह अब हम कल मिलेंगे, कल आएंगे एक नए व्लॉग के साथ। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। और सबसे पहली बात, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट करती जाऊँ कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको लाइफ विद डॉटर्स के सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ये है हमारी दुनिया, ये है लाइफ, हमारी लाइफ डॉटर्स के साथ। हम उनके साथ कैसे रहते हैं, कैसे उनको जो है उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये हमारी लाइफ है हमारी डॉटर्स के साथ। तो देखना मत भूलें कल का नया व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।